ये देखिए, ये हमारे सामने लिखा हुआ है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 3a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर डॉट 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर। इसको हमें वैल्यू निकालनी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स ए वेक्टर डॉट 2 टाइम्स ए वेक्टर माइनस प्लस 3 टाइम्स ए वेक्टर डॉट 7 टाइम्स बी वेक्टर माइनस 5 टाइम्स बी वेक्टर डॉट 2 टाइम्स ए वेक्टर माइनस 5 टाइम्स बी वेक्टर डॉट 7 टाइम्स बी वेक्टर। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 6 टाइम्स मॉड ऑफ ए का स्क्वायर। आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, मॉड ऑफ ए डॉट ए हमारा कितना होता है, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा 6 टाइम्स मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, और ये हमारा हो जाएगा 21 टाइम्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और ये हमारा हो जाएगा माइनस 10 टाइम्स बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और ये हमारा कितना हो जाएगा, माइनस 35 टाइम्स, और ये हो जाएगा मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 6 टाइम्स मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा प्लस का 11, 21 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और ये बी डॉट ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी, माइनस 10 टाइम्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस 35 टाइम्स मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 6 टाइम्स मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस ये हमारा हो जाएगा 11 टाइम्स ए डॉट बी माइनस 35 टाइम्स मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर। बस ये जो एक्सप्रेशन आया है यही हमारा आंसर है।